हरदा के झालवा गांव में वन अमले ने अवैध सागौन से लदे एक वाहन को पकड़ा है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर है। हरदा में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार अवैध सागौन बरामद की गई है। हरदा जिले में वन माफिया लंबे अरसे से सक्रिय है। मामला हरदा जिले के झालवा गांव का है जहां हंडिया वन अमले ने अवैध सागौन से लदे एक वाहन को पकड़ा है। हंडिया रेंजर सुरेश कुमार ने बताया कि 32 लट से भरी पिकअप वैन जब्त की गई है जिसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। ये कार्रवाई उप वन मंडल अधिकारी संजय जैन एवं ओम प्रकाश भिंडारे के मार्गदर्शन में की गई। इसके सभी आरोपी अज्ञात हैं। वन अपराध दर्ज कर प्रकरण की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिकअप वैन के पास जाकर हम लोगों ने देखा कि आसपास कोई व्यक्ति है क्या, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पिकअप एक त्रिपाल नेट से ढकी हुई थी, उसे खोल कर देखा तो उसमें सागौन के लट्ठे दिखाई दिए। फिर उसे विधिवत कार्रवाई कर जब्त किया गया और वन अपराध जारी किया गया। कीमत लगभग 2 लाख के लगभग है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।